हेलो एवरीवन, प्रसाद मेकिंग वर्ल्ड में आप सबका एक बार से फिर से स्वागत है। तो आज हम बना रहे हैं बेसन की लड्डू। जी हाँ, आज की प्रसाद की हमारी जो रेसिपी है वो बेसन की लड्डू है। तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसमें क्या लगने वाला है। तो ये है हमारा बेसन, जो कप से मैंने 2 कप भर के लिया है, ये बेसन है। और ये 3/4 कप मैंने लिया है घी, देसी घी से आज हम बनाएंगे ये प्रसाद। जनरली जो हम लोग जाते हैं उसमें ले जाएंगे, तो ये प्रसाद थोड़ी घी की वजह से कॉस्टली होता है, तो इसकी कॉस्टिंग वस्टिंग हम लोग आज नहीं निकालने वाले हैं। बस हम इसको आप लोग प्रसाद बना के बेसन को दिखाते हैं, क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि प्रसाद जब बनाते हैं बेसन की लड्डू तो उनका कच्चा रहता है या लड्डू बन नहीं पाता है, तो फिर कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम लोगों ने आज बेसन के लड्डू बनाया है। तो ये हम लेंगे, लिए हैं 3/4 कप हम लोगों ने लिया है देसी घी। ये है 1/4 कप, इससे 3 बार जो है हम लोगों ने देसी घी लिया है। ठीक है, तो हम डाल रहे हैं अपना देसी घी। तो ये हम पूरा देसी घी नहीं डालेंगे, हम हाफ देसी घी बचा के रखेंगे, हम बाद में ऐड करेंगे जब हमको ज़रूरत होगा तो। और ये ग्राम से लगभग 200 ग्राम है। ठीक है, तो ये मेल्ट हो जाए। तो जो हमारा ये घी है ये मेल्ट हो चुका है। और ये है बेसन, ये थिक बेसन है, आप घर का नॉर्मल बेसन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर थिक बेसन रहे तो बहुत ही अच्छी है। देखिए ये ग्राम से 250 ग्राम है और मैंने 2 कप पूरा भर के लिया है। और अभी हम इसमें डालेंगे, और घी मैंने कम रखा है, जरूरत पड़ेगा तो इसमें घी डालेंगे। और कितना उसके बाद इसके अकॉर्डिंग कितना घी पड़ता है, उसके बाद अगर बचता है घी तो हम उसको ग्राम में बता देंगे कि कितना ग्राम घी बचा है, कितना लगा है। ठीक है, अब इसे एकदम लो फ्लेम पे एकदम धीरे एकदम आंच पर इसको आप भूनेंगे। बहुत लोग क्या होता है कि तेज़ आँच पर भूनने के बजाय उनकी जो होती है वो कच्चे रह जाते हैं और वो जाके मुँह में चिपकता है, इसी वजह से वो कच्चे भी रह जाते हैं। तो देखिए एकदम हमने लो पे भुना स्टार्ट किया है, इसे भुनने में तकरीबन 15 से 20 मिनट लग ही जाता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसे बनाइए और भुनिए सुमिरन ध्यान करते हुए अच्छी तरीके से। तो देखिए इसे हम भून रहे हैं, ठीक है, और इसे क्रश करते हुए भुनिए ताकि जो गांठे पड़ रहे हैं वो बेसन में गांठे पड़ते हैं, तो इसे क्रश करते हुए इस तरीके से आप भुनाई कीजिए इसकी, इससे अच्छे तरीके से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 10 मिनट तक देखिए हो गया है भूनते हुए बेसन का, और इस तरह से टेक्सचर अभी आया दिख रहा है इसका। 10 मिनट तकरीबन मैंने इसका भूना है, और 10 मिनट भूनने के बाद ही देखिए कि इसमें और कितनी घी की आपको ज़रूरत और कितनी ज़रूरत है, कितनी आ सकता है। तो इसमें मैं अभी फ़िलहाल कुछ चम्मच घी का मैं डालने वाली हूँ, 2 चम्मच मैं इसमें और डालूंगी। ठीक है, इस तरह का कोई आपके पास कप ना हो तो कोई भी कटोरी सेट कर लीजिए, उससे आप सारा मेजरमेंट ले लीजिए। तो देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच और डाला है घी, ऐड किया है। ठीक है, तो 10 मिनट भूनने के बाद ही इसमें आप देखिए कि कितना आपको घी की और ज़रूरत है। अगर आप 5-5 मिनट भूनने के बाद ही आप घी डालना स्टार्ट कर दें तो आपको मेजरमेंट की नहीं समझ में आएगा, इसकी कंसिस्टेंसी समझ में नहीं आ पाएगी कि इसको घी की कितनी ज़रूरत है। तो क्या होता है कि कभी कभार उससे हम लोग ज़्यादा घी भी डाल देते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा घी रिलीज कर देता है। ठीक है, तो अभी तो मैंने इसमें इतना ही घी डाला है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं डालूंगी, नहीं ज़रूरत पड़ेगा तो मैं इसमें घी अभी नहीं डालूंगी। ठीक है, तो देखिए बहुत इसमें फूड कलर डालते हैं, केसर के कुछ धागे डालते हैं, बट हमारा जो बेसन है बहुत ही अच्छा कलर है इसकी, बहुत ही कलर खूबसूरत है, येल्लो है। तो इसमें कोई हम लोग कलर या केसर डालने की ज़रूरत नहीं है। हम और मैं इसमें विथाउट क्या ड्राई फ्रूट्स की बना रही हूँ, तो आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जनरल जो प्रसाद में जाता है उसमें कॉस्टिंग नहीं निकल जाती है, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो आप चाहिए तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी इसमें ऐड आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए अभी भूनते हुए मेरा 15 मिनट तक हो गया है, और इसकी जो कच्चेपन की जो स्मेल है वो निकलना बंद हो गया है। ये अपने आप में ही एक स्मेल, बहुत ही अच्छा स्मेल छोड़ता है बेसन के लड्डू के, उससे भी आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि भून गया है। फिर भी इसे हम अभी 5 मिनट तक तकरीबन ज़रूर भूनेंगे, ताकि जो भी थोड़ा बहुत इसमें कच्चापन रहेगा वो निकल जाएगा। ठीक है, आप
आपके पास अगर थिक बेसन ना हो, पतला बेसन है तो आप बनाइए, उससे भी कोई बात नहीं है। बट थिक बेसन का मैंने पहले ही बताया अच्छा बनता है, और थिक बेसन का दानेदार बनता है। तो आपके पास अगर पतला बेसन है तो देख लो जो बेसन आता है उसमें आप क्या कीजिए कि थोड़ा सा पानी का जो छींटा है हाथ पे लीजिए, इससे पानी की छींटे, और ये ट्रिक है एक, और ऐसे मार दीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो हलवा है दानेदार बनेगा, ठीक है। ऐसे बस थोड़ा सा लेकर आप उसको ऐसे थोड़ा सा मार दीजिए, बस इस तरीके से। इसे क्या होता है कि जो हमारा हलवा है वो दानेदार बनते हैं। देखिए ये एकदम दरदरा सा थोड़ा सा आ रहा है, तो ये ट्रिक है जो हमारे हलवा को दानेदार बनाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ज़रूर करें। और ठीक वाला बेसन है तो उसमें भी कर सकते हैं, वैसे अगर रेगुलर बेसन है तो उसमें कीजिए तो और अच्छा होता है, ठीक है। तो ये हमारा बेसन तकरीबन भून चुका है, अब इसे हम निकाल के आपको दिखाते हैं। देखिए इसे भूनने में 15 मिनट लगा है और ये तकरीबन भून चुका है। अब इसे हम क्या करेंगे कि इसमें जो बहुत ज़्यादा जो लोग घी डालते हैं उसमें, तो वैसे हम नहीं करेंगे, पतला हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। हमको बस एक चम्मच में और इसमें घी ऐड कर रही हूँ। मान लीजिए कि इसमें हम लोग 175 ग्राम ही घी इसमें ऐड किए हैं, 25 ग्राम हमारा घी बच गया है। इसलिए मैंने कहा था कि आस्ते आस्ते घी ऐड कीजिएगा, धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बहुत है, इनफ है हमारा 175 ग्राम घी इस मोटे वाले बेसन में, और शायद पतले में हो सके तो और कम लगेगा। इससे ज़्यादा अब हम इसमें घी ऐड नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा रनिंग वाला कंसिस्टेंसी हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं बनाना है, बस इतना ही हम करेंगे, ठीक है। तो अब इसे हम निकालते हैं एक बाउल में। ये हमारा ये भून कर रेडी है, डन है, ओके। तो इसे हम निकालते हैं एक बाउल में। देखिए बाउल में हम लोगों ने इसे ट्रांसफ़र कर लिया है, इस तरीके का ये बनकर रेडी है। अब हम क्या करेंगे, ये इसे ठंडा होने देंगे। जब ये पूरा कूल हो जाएगा, मतलब पूरा ठंडा नहीं चाहिए, एकदम हल्के गर्म में इसमें हम मिलाएंगे अपना अलग जो रहेगा भूरा या चीनी है उसको मैं बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो इसे हम ठंडा होने का इंतजार करते हैं, वेट करते हैं। एकदम हल्का गर्म हो रहेगा, ज़्यादा ठंडा हमें नहीं करना है, ठीक है। तो मैं आगे का स्टेप मैं आपको दिखाती हूँ इसके बाद। तो देखिए ये हमारा ठंडा हो गया है, मतलब कि हल्का गर्म है, ठीक है, एकदम मतलब हल्का। तो इसमें हम डाल देंगे 1 छोटी चम्मच इलायची है, ये मेरा मतलब 4 इलायची 5 इलायची को मैंने कूट लिया है, ठीक है। और ये है भूरा, ठीक है, भूरा है ये, आप लोग इसे डालिए या पिसी हुई चीनी डालिए, बट लड्डू में जनरली भूरा ही जाता है तो अच्छा होता है, तब दानेदार अच्छा बनता है, और ठीक है। तो हलवाई इस तरीके से बुरा ही यूज करते हैं अपने लड्डू में, तो आप लोग कोशिश कीजिए तो बुरा ही डालिए या पीसी हुई चीनी आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हल्का गर्म है और इसे हम मिक्स कर रहे हैं। देखिए इतना गर्म है कि मैं अपने हाथों से छू पा रही हूँ और मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। जब हम लोगों ने इसमें घी डाला था तो इसमें घी मैंने बताया था आपको कि इसकी घी की जो कंसिस्टेंसी है 175 है। तो प्लीज़ आप लोग अपने घी का मेजरमेंट सही रखें, आपका हलवा सॉरी आपका लड्डू ज़रूर अच्छा बनेगा, ठीक है। तो इसे थोड़ा मिक्स कर रहे हैं हम, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हम लोगों ने बना लिया है, इसे मिक्स कर लिया है इस तरीके से, ठीक है। देखिए एकदम ये मिक्स हो गया है। अब इसे अब बांध कर एक बार लड्डू के जैसे शेप में देख के ये बन रहा है कि नहीं आपका लड्डू। अगर बाई चांस आपको लगता है कि आपका इसमें घी कम लग रहा है तो आप थोड़ा ऊपर से घी इसमें ऐड कर सकते हैं, घी को एकदम मेल्ट करके ऊपर से ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन देखिए हमारा जो है एकदम परफेक्ट बन के रेडी है, कितना सुंदर हमारा लड्डू बन रहा है, देखिए कितना ही सुंदर, जितना ही सुंदर दिखने में है उतना ही खाने में टेस्टी भी है ये, ठीक है। तो इस तरीके से सारे लड्डू को हम बना के फिर आपको हम दिखाते हैं, ठीक है। तो हमने अभी तक 3 से 4 लड्डू बना लिया है, बाकी लड्डू हम बना के आपको दिखाते हैं। तो देखिए भाइयों और बहनों, मेरा बेसन का लड्डू बन के रेडी है। देखिए इसमें हमने लगाया है एक ये बादाम का से गार्निशिंग किया है और एक विथआउट गार्निशिंग रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो जिस तरीके से आप चाहें प्लेन भी रख सकते हैं या गार्निशिंग भी कर सकते हैं, जलन प्रसाद में इसकी कॉस्टिंग नहीं पूछी जाती है। तो आप चाहें तो इसके अंदर भी ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अब फैमिली मैंने भी बिना विथआउट ड्राई फ्रूट्स का बनाया है। तो चलिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे और भाइयों बहनों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो फिर मिलते हैं अपने प्रसाद मेकिंग वर्ल्ड चैनल पे एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए
बाय बाय।